हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना स्टोरी अपलोड किए आप हाईलाइट को कैसे लगा सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि हम स्टोरी को अपलोड ना करें फिर भी हम हाईलाइट को ऐड कर पाएँ, सो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। और जो सेकंड वाला चैनल है जीके एजुकेशनल नेम से, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाकर भी आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल आइकन पर आ जाना होगा। प्रोफाइल आइकन पर आने के बाद ही आपको ऊपर 3 लाइन शो होती है, 3 लाइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब आपको क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करना है। क्लोज फ्रेंड का जैसे ही ऑप्शन शो होता है, आपको यहाँ से क्लियर ऑल कर देना है। क्लियर ऑल करने के बाद है फ्रेंड्स, आपको कोई एक को सेलेक्ट कर लेना है, या तो आपकी 2 ID है, 2 ID में से आपको किसी 1 ID को सेलेक्ट कर लेना होगा, और या तो फिर किसी भी फ्रेंड्स को एक को सेलेक्ट कर लेना है और डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स स्टोरी तभी लग पाएगी जब आप किसी एक क्लोज फ्रेंड्स को सेलेक्ट करेंगे, तब अगर आप क्लियर ऑल कर देते हैं तो आपकी स्टोरी नहीं लग पाएगी क्लोज फ्रेंड में, इसलिए आपको किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से बैक आना होगा। बैक आते हैं, सो अब आपको यहाँ पर स्टोरी क्रिएट कर लेनी है। ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टोरी क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ले लिया है, मान लीजिए मैंने फ़ोटो ले लिया है। फ़ोटो लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज फ्रेंड में इसको शेयर करना है। ओके, अब आपने ये स्टोरी क्लोज फ्रेंड में शेयर कर दी है, ये अपलोड हो जाएगी। अब देख सकते हैं ये अपलोड हो चुकी है। अब इसे आप हाईलाइट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो हाईलाइट का ऑप्शन शो होता है, हाईलाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद ये हाइलाइट्स में ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टोरी लगाई थी वो हाईलाइट में जो ऐड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप बिना स्टोरी लगाए हाइलाइट्स को ऐड इस टाइप से कर सकते हैं। आपने क्लोज फ्रेंड में स्टोरी लगाई है, कोई फ्रेंड्स ऐड नहीं है, ओनली एक पर्सन ऐड है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप डिलीट कर देंगे फिर भी ये हाईलाइट्स आपकी यहाँ पर शो होगी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम में बिना स्टोरी अपलोड किए हाईलाइट को ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट को लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।